योग ऋषि ने जब हमारे भारतीय संस्कृति में जब योग का जब बनाया था, तो योग का मतलब था जोड़ना। योग क्या? जोग, जोड़। जोड़ से बना योग। जोड़ना किसको था? मन को परमात्मा से जोड़ना था, उसका मतलब योग था। फिर धीरे धीरे योग बन गया, हठ योग में आ गया। हठ योग से फिर आज का योग कहाँ पहुँच गया? सर्कस बन गया है। हाथ पे खड़े हो जाओ, पैर पे चढ़ो, ऐसे कर लो, ऐसे स्टंट करो, फोटो खिंचा लो, ये सोशल मीडिया पे डाल दो, ये योग बन गया। और वही जब अभी मैं देख भी रहा हूँ कि सब लोग समझ रहे हैं कि योग का मतलब शरीर को तोड़ मरोड़ करके और हम स्वास्थ्य पालना, ये योग उन्होंने बताया नहीं था। महर्षि पतंजलि ने उन्होंने कहा ही नहीं था योग, कहा था स्थिर सुखद आसनम आसनम प्रज्ञा प्राप्त सर्व रोग मूल कारणम। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक काफ़ी देर तक अगर बैठ सकते हैं तो यह योग है। और ये बैठ के आप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। उनका ध्यान से भगवान शिव ऐसे बैठे हैं, गुरु नानक ऐसे बैठे हैं, और जितने भी देवी देवताओं के चित्र देखेंगे सभी लोग को ऐसे बैठे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? वो ये वाला योग कर रहे हैं। वो कोई आसन कठिन हठ योग नहीं कर रहे हैं। हठ योग करना कोई गलत बात नहीं, मैं योग की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई काम करने के लिए अगर आप क्वालिफाइड योग्यता नहीं रखेंगे तो आप योग वही करेगा जो योग्यता रखेगा, बीमार योग नहीं कर सकता। आप लोग को सबको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, आप योग कैसे कर सकते हैं? जब दीदी ने भी बताया कि प्राण शक्ति एक है, वाइटल शरीर के अंदर ऊर्जा एक है, तो आप योग करके उस ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर रहे हो। आप उस ऊर्जा को भोजन को पचाने में और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में लगानी है। अगर आप वो दोनों काम कर लेते हैं, भोजन सुधार कर लेते हैं और अपनी थोड़ी सी शरीर की शुद्धता रखते हैं, मन की शुद्धता रखते हैं, तब जाके आप योग के अधिकारी बनेंगे। इसी बात को महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में कहा था, यम नियम। यम नियम अगर सोच विचार धारणा प्रत्याहार, ये सब 8 अंग माने जाते हैं योग करने से पहले के, वो 8 अंग आपने नहीं पूरे किए तो आप योग नहीं करते। हठ योग वह करते थे हिमालय में रहने वाले, जहाँ पे वो लोग ये 8 नियम का फॉलो करते थे, पालन करते, तब जाके योग करते। अगर आप अगर ये 8 नियम फॉलो करते तो मैं आपको योग करा सकता हूँ। लेकिन आज टीवी मीडिया सोशल मीडिया जितने भी योग ऋषि हैं सब ने वो नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि ये 8 नियम मिडिल इधर अर्बन एरिया में या सिटीज़ में लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, कहीं भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? तो बस उन्हें उस बात को हटा दी और आपके सामने कपाल भाती उज्जैन और ये योगा वो होगा रख दिया, आपने समझ लिया किसे ठीक हो जाते हैं। आप देखिए नेचर केयर क्या करती है, नेचर में कोई भी प्राणी स्वस्थ रहने के लिए योग नहीं करता। जब वो इतना हमसे नीचे तबके का अगर लेवल का जीव है, फिर भी आज उसके पास हॉस्पिटल नहीं है, चश्मा नहीं है, डिप्रेशन है, सब कुछ नहीं है। हम उच्च कोटि के जीव होकर भी, हमारे पास इतना एजुकेशन होने के बाद भी हम बीमार हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं? हम कहते हैं हम इतना डेवलप कर जाते हैं फिर भी हमारे पास हैप्पीनेस क्यों नहीं है? तो हमसे बेहतर वही हुए ना, कम से कम अपने शरीर को तो स्वस्थ रख रहा है वो कौन सा योग कर रहा है? बच्चा कौन सा योग करता है? नहीं करता ना। लेकिन हाँ, योग का मतलब क्या था मैंने आपको कम शब्द में बता दिया। मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना, मन को बैलेंस रखना, शरीर का संतुलन रहना और पर्यावरण से कनेक्ट रहना, और भोजन में वही लेना जो प्रकृति माँ ने दिया है आपको। अब कैसे दिया? आपको दिया वैसे आपने किचन में बना के उसको बिगाड़ दिया तो गलत हो गया ना। वो आप कहते हैं हम तो शाकाहारी खाते हैं, शाकाहार कहाँ खा रहे हैं आप? अगर आप एक सब्जी को ला कर फ्रिज में रख के 2 घंटे 5 घंटे घर में सड़ा कर बासी खाते हो, खूब तेल मसाले डाल देते हो, तो कहाँ से सात्विक हुआ? वो सात्विक तो हुआ ही नहीं वो। और फिर आप उसको बिना भूख के खाते, बीमारी में भी खा लेते, बीमारी में तो शरीर आराम करना होता है। आपका कॉन्सेप्ट ये बना हुआ कि हम बीमार खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पशु को देखिए बीमार पड़ते ही वो रेस्ट करता है, ठीक हो जाता है। एनर्जी एक ही है ना, घर में अगर वीक है वोल्टेज तो आप सारे, अगर आपको इंपॉर्टेंट काम करने हैं, टीवी चलाना है तो आप पंखे ट्यूबलाइट्स को बंद करोगे ना, तो आपको सारे काम पोस्टपोन करेंगे, अधिक से अधिक ऊर्जा को बचत करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं वाइटल इकोनॉमी, शरीर की ऊर्जा को बचत करना, ऐसे जब कंडीशन क्राइसिस आ जाए, जब बुखार फीवर हो। हाँ, लेकिन आपके जैसे रोग हैं जो बड़े लंबे समय, इसमें क्या करना, भूख को देखिए और थोड़ा थोड़ा चेक कर, जैसे भूख है उसके अनुसार खाइए, क्योंकि इतने लंबे समय उपवास किया नहीं जा सकता। तो ये तो खैर मूल बातें हैं, बाकी योग मन का ही होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको चलते फिरते योग करना है तो आप रीढ़ की हड्डी पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके घर के जितने भी फर्नीचर हैं ना, वो सभी आपके बीमार करने वाले हैं। सभी फर्नीचर घुटनों की बेंडिंग बंद कर दी है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप बेड पे बैठते हो, कैसे बैठते हो? बैठ जाते हैं, घुटने मुड़ते हैं, आप ऊपर जाके पालथी मार लेते हैं। ताकत तो नहीं लगी ना बैठने में, लेकिन आप ज़मीन पर जब बैठते हैं तब ताकत लगती है। फिर आप चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, तो भी आपकी ताकत नहीं लगती, सीधा कंफर्टली आप बैठ जाते हैं।
तो ये क्या होगा, इसकी मूवमेंट कम होगी, इसकी मूवमेंट कम होगी। ग्रीसिंग चली गई, प्रैक्टिस छूट गई, पहले लोग सारे काम जमीन पर होते थे, जितने भी क्रिएटिविटी के काम थे सारे काम जमीन पर। तो अब क्या करना है, वहाँ नहीं जाना है, उसको बैलेंस करना है। किचन के काम भी जमीन सब स्लैब पे ही होता है, सब कुछ स्लैब। पहले जो कुछ भी, पहले जो भी कंडीशन डिजाइन की गई थी वो अपने आप में साइंस था, आपको स्वास्थ्य देने के लिए, चाहे भोजन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे कपड़े हो, एवरीथिंग साइंटिफिक थी। तो अब क्या करना है, आपको छोटे छोटे पटरी यूज़ करने हैं, क्योंकि आप चेयर पे तो अभी हैं, आपको थोड़े से उसके मिड वाले हाइट वाली चीज़ें यूज़ करें। जब भी आपको कुछ काम करना तब थोड़ा सा मैट पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाए, तो छोटे छोटे स्टूल होते हैं ना, उसको यूज़ कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। मैं योगा उसी पर करवाता हूँ। और कुछ कुछ पिल्लो तकिए छोटे छोटे रखिए, उसका हेल्प लेके कमर के नीचे रख कर और उस पर लेट जाया करें। तो ये रीढ़ की हड्डी के स्पाइन को, जो उसकी प्रॉपर एक शेप होती है ना, जो टेढ़ी हो गई है झुक कर बैठने से, ये ठीक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा है रीढ़ की हड्डी की बनावट को सही करना योग में। अगर वो सही होगा, आठों एनर्जी उसी के अंदर रहती है। अगर आपने सीधा बैठना शुरू कर दिया, पूरे दिन चेक करते रहे कि मेरे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, चाहे सोफे पे हो, चाहे बेड पे बैठे हो, एल पोस्चर में कभी ना सोएं, तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी आधी बीमारी ऐसे चली जाएगी। और सोक लेट कर और अपने पैरों की साइकिलिंग करनी है, उल्टा लेट कर पैरों को चलाना है, ठीक है। ये दो योगा तो आप करने ही करने हैं। हाँ, पेट के बल ऐसे लेट गए और पैरों को चला लिया, फिर पीठ के बल लेट गए और फिर साइकिलिंग कर ली, ये दो योगा कर लीजिए अगर पार्क जाने का टाइम नहीं है तो। अगर पार्क में भी आ रहे हो तो सीधा अकेले घूमिए, जैसा कि दीदी ने बताया कि अकेले घूमना है और सांसों पर ध्यान लगाते हुए घूमना है, या कोई चैंटिंग, कोई म्यूजिक, कोई स्पिरिचुअल, कोई डिवाइन म्यूजिक लगा के, संगीत लगा के चली, या फिर मन ही मन ऐसे करते रही, तृप्ति को देख कर ली, लेकिन किसी से बात मत की। मैंने क्या देखा, पार्क में आने का बहाना है, योग करना है, और घर की जितनी समस्याओं को लेके सबको बैठ के बात करनी है। तो ये योग कहाँ हुआ, आप यहाँ क्लीन होने आते हो, आप थके लेके जाते हो, डिटॉक्स होने आते हो, टॉक्सिन्स लेके जाते हो। विचारों के रूप में टॉक्सिन ही तो है, भोजन एक ही रूप में नहीं होता, ये भी सूक्ष्म भोजन है। एक पौधा कैसे बढ़ रहा है, ये धूप हवा पानी जल लेके बढ़ रहा है, तो फिर ये है। और दूसरी चीज़ कि आपको एक बात तो सभी करती है, तो ये आप करिए। आप देखिए, आपको योग की ज़रूरत ही नहीं इतनी ज़्यादा, मन अब जब से योग फिर भी करना भी है तो आप वैसे योगा करें जो आपको शरीर अलाउ करता है, पैर नहीं खुलता है कोई। आप अब उन्होंने बता दिया ना, भोजन सुधार, मन सुधार, सब ठीक हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, भूल जाइए इसको।